स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, मेरे गिरधर गोपाल चैनल पर नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा के साथ साथ एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चलता है, जिसमें कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है, जिसका उत्तर महाराज जी बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से उदाहरण के साथ समझा देते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति रो रो कर महाराज जी से बोलने लगा कि गुरु जी, मेरी पत्नी नौकरी लगने के बाद मुझे छोड़ दी है। न खुद मुझसे मिल रही है और न ही मेरी बच्ची से मुझे मिलने दे रही है। मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इस पर देखिए गुरु जी क्या बोले। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं बेगूसराय से हूँ और मैं आपके पास बस एक प्रश्न लेके आया हूँ कि आजकल के जेनरेशन में नई लड़कियाँ लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है। मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ ड्यूटी में आई हुई है और उसका सिपाही संख्या 309 छोटी कुमारी है और मैं लगभग पिछले 8 महीने से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना खुद मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना है? अब वो बोलती भी नहीं है। आज यहाँ आपके सेवा में वो उपस्थित भी है। अच्छा जी, पर हमसे नहीं मिलती है। अभी हमको ड्यूटी में मिली थी। तो जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर। जब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। ये तो बड़ा जी को मैं जानकारी दूं, 2018 में मेरे ससुर जी का नाम दीपक चौधरी है, ग्राम परमानंदपुर चेरिया बरियारपुर ब्लॉक से आते हैं, जिला बेगूसराय है, और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? BMP 6 से आई हुई है और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है। 5 साल की मेरी बच्ची है। 8 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कैंसर में और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है और कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बैकवर्ड जात से हो इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो किस समाज से है? वो भूमिहार समाज से है सर। और आप? हम सहनी हैं। तो शादी के पहले नहीं देखी थी समाज क्या? नहीं, उस समय मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी और नौकरी लग गई जी, तो मैं छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। कहाँ है? यहाँ आसपास है क्या वो? महाराज जी अगर आप बोलेंगे तो वो सुन जरूर रही होगी, बैरक में ही होगी। कहाँ है, बात कर सकता हूँ मैं? कहाँ है वो? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी सिपाही संख्या 309। 309 सिपाही संख्या हाजिर हो। उसके महाराज जी को एक मिनट आप लोग थोड़ा विषय को गंभीर लीजिए, विषय को गंभीर लीजिए। ये मेरा प्रश्न नहीं है माता, मेरा प्रश्न नहीं है। आज के जेनरेशन सही में, है सही है, ये बात ठीक कह रहे हो। लड़की नौकरी लेती है, सबसे पहले लड़का को छोड़ती है। मैंने महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पति क्या होता है महाराज जी के सामने सुन रहा था। मैंने मेजर साहब से मिन्नत की, आपके पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज। देखो क्या नाम बताया पत्नी का? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी यदि मेरी बात सुन रही हो ना, तो बेटा मैं आपसे कहूँ, आपका एक भाई होने के नाते पति कैसा भी हो कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पैसा खूब कमाओ, पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन पद प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पद आए तो अपने पति को छोड़ के चले जाओ। महाराज जी उसका अभी वो है नहीं, लेकिन मेरे पास उसका फोटो है, मैं कैमरा से चाहूंगा क्योंकि लाइव देखे। छोटी कुमारी, पिता दीपक चौधरी, ग्राम परमानंदपुर। ठीक है, देखो हम और आप तो समझा ही सकते हैं, बाकी आगे थोड़ा कैमरा को जूम करिएगा महोदय, और ये फोटो है उसका। ठीक है,
नहीं आ रहा। आपको आपके आसपास है नहीं, वो यहाँ दिख नहीं रही है? नहीं, अभी हम महाराज जी मिले थे, वो पार्किंग नंबर 1 पे ड्यूटी में थी, हमें मिली भी है, पर हमसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है कि अगर मैं ना बचूँ तो यहीं के वॉलेंटियर से हमको मार खिलवा देगी। अच्छा जी, ये तो बड़ा गलत है, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कमाई करो, पैसा देखो, स्त्रियां काम करेंगी पर पतियों को छोड़ देंगी तो पति जाएंगे कहां बेचारे? जबकि पति काम करता है तो कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता इस तरह से कि वो बहुत पैसा कमाने लग जाए तो पत्नी को छोड़ दे। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि यदि पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो अपने पति को ही। एक मैंने बहुत पहले एक डीएम के बारे में मैं ऐसी सुना था कि पत्नी को पढ़ा लिखा के वो डीएम बनाया और वो डीएम से सेट हो गई दूसरे डीएम से, और पत्नी को पति को बोल दिया टाटा तो नहीं हो किसी काम के। कैमरामैन थोड़ा सा फोटो दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे थोड़ा महाराज जी। हाँ आगे ही फोटो बेटा, चिंता ना करो। हाँ। वो आ जाए तो मिला देना, मैं समझाऊंगा। महाराज जी से मेरा एक प्रश्न है जी, कि मैं आपके मंच से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मन से एक ऐसा संदेश जाए कि कोई भी लड़की नौकरी होने के बाद सबसे पहले लड़का को ही क्यों छोड़ देती है? पति को, महाराज जी पति को ही क्यों छोड़ देती है? सही है जी महाराज। कुछ स्त्रियां ऐसा करती हैं, सब नहीं करती, और जो करती हैं उनको कथा सुनना चाहिए ताकि उनको सही ज्ञान मिले। आज की कथा में मैंने इस विषय पर खूब बात की है जी महाराज। खुश रहिए, खड़े हो जाओ, इनको सब बैठो, खड़े नहीं होना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसी है, आप खाना चाहें तो कोई बात नहीं जी। तामसी इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, मांस नहीं खाना चाहिए बस। नहीं खाते हैं ठीक। बोले गुरु जी, कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी, मिलना है क्या? नहीं, आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी है। नहीं, आपसे मिलने का बहुत चाह है। चलो अच्छा, मिल गए आप, और कोई सेवा हमारे लायक? जी गुरु जी, एक और क्वेश्चन। बोले गुरु जी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा, गुस्सा उनको आने तो क्या दिक्कत, जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरु जी, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। कौन बोलता है? हम लोग के गाँव का। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना जो ऐसा बोले गुरु। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, हम रोहतास जिला से आए हैं, सासाराम से, और 2022 में आपके आश्रम पर भी गए थे, गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा। वहाँ के सेवा दे करके आपके हमको बहुत खुशी हुई। हम जब टीवी पे देखते थे तो विश्वास नहीं कर पाते थे। हाँ। और मेरे वाइफ जो हैं, पत्नी जो हैं, आपके भक्त पहले से ही थी, लेकिन हम भरोसा नहीं करते थे कि ऐसा इतना गुरु जी सेवा नहीं करते होंगे जी। लेकिन हमको लेकर गई, हम वहाँ पर गए, हम देख जितना देखे थे उससे कई गुना वहाँ पर आपका सेवा दे करके बड़ी खुशी हुई। सेवा दे करके हम भी कुछ अपना धर्म से जुड़ गए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, पर जाने के बाद इन्हें विश्वास हुआ। तो आप लोग भी आइएगा गौरी गोपाल की सेवाओं को। बहुत बहुत देखे थे, जितना हमने कई गुना वहाँ पर आपका सेवा देखे हमने जी। अरे गुरु जी। जी गुरु जी, आप बताते हैं कथा में जो तंत्र विद्या होता है उससे किसी की जान भी ले सकते हैं, तो ये ऐसा मुझ पे ना मेरे चाची ने मेरे ऊपर करा दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मेरी माँ भी, घर वाले ने ना साथ नहीं दिया। आपकी चाची को विद्या आती है, तंत्र विद्या? नहीं नहीं, उसने करवा दिया मेरे ऊपर। क्या? जैसे मतलब किसी आत्मा का साया, बहुत मुझे परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? मतलब शरीर भारी हो जाता है, काम करती हूँ कुछ भी घर का तो पैर भारी हो जाता है, चल नहीं पाती मैं, और मेरी माँ भी परेशान है, वो चल नहीं पाती है, घर वालों ने ना साथ नहीं दिया इस समय। अरे ये कोई प्रेत व्रेत का साया नहीं है, ये कोई कमजोरी है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया गुरु जी, फिर भी कोई फायदा नहीं होता ना, कोई बीमारी। योग किया करो, योग किया करो, और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। पढ़ती हूँ गुरु जी, फिर भी मतलब जैसे कुछ सीने पे कुछ मतलब ऐसे चढ़ रहा है,
कुछ गला दबा रहा है, ऐसे कुछ होता है अजीब अजीब। तो ऐसे जीत मतलब जागने में होता है कि सोने के बाद? सोने में नहीं होता गुरुजी, ऐसे अचानक से होता है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है? हाँ। तो अभी कोई दबा रहा है गला? नहीं मतलब कभी कभी होता है ऐसे। कोई बात नहीं, ये गलत फहमी तो हो सकती है आपकी। नहीं नहीं, वो जो मतलब जिसने कराया है ना, तो मैं घर पे अगर हूँ तो अचानक से मतलब ऐसा होता है, मैं उसके घर पे चली जाती हूँ दौड़ के, तो फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब मारते हैं। तो जब मैं अपने होश में आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि चोट लगी है। तो आप उनके घर क्यों जाते हैं? मैं नहीं जाती हूँ, जब मतलब सही रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ, फिर जब अचानक से वो हो जाता है तो फिर मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो फिर आप एक काम करो, नारायण कवच का पाठ किया करो। ठीक है गुरु। जो नारायण कवच का पाठ करता है, भूत प्रेत कभी उसका बाल विवाह का नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है गुरुजी, घर वाले साथ नहीं दे रहे, उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया इसकी वजह से। पति शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ गुरुजी, शादी वो लोग करते हैं, मैं सोचती हूँ कि शादी करूंगी तो वहाँ जाऊंगी तो फिर वो लोग भी ऐसे निकाल देंगे मुझे। नहीं नहीं, क्यों निकाल देंगे? घर वालों ने साथ ही नहीं दिया, वो लोग वो ध्यान ही नहीं देते। कितने वर्ष की हो आप? मैं 30 इयर्स। तो आपको शादी कर लेना चाहिए अब। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, माँ भी परेशान है, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, शरीर में भी रहता है, कोई दवा काम नहीं करती गुरुजी। कब से है ये आपको? मुझे ये 2006 से है गुरुजी। अरे 6 से है? हाँ जी। तो भूत क्या कर पाया 2006 से? मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। क्या कर पाया उसने, क्या किया अभी तक, बस परेशान करता है बस? हाँ जी। आप नारायण कवच का पाठ करो और भगवान का नित्य जाप करो। जो भगवान के आश्रित है ना जी, वो भगवान के आश्रित रहने वाले का भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपको गलत फहमी ज्यादा है, बिगाड़ना होता तो बहुत कुछ बिगाड़ देता उसने, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, ये सब गलत फहमी पाले बैठी हो। आप विवाह करो मस्त, पति के साथ रहोगी, पति मार मार के भगा देगा भूत को। नहीं घर वालों ने निकाल दिया, तब हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? अभी कहाँ रहती हो? यही एक हफ्ते से आई हूँ मैं। तो घर में रहो, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी साथ नहीं देते, ना भाई ना भाभी, कोई भी साथ नहीं। कोई आया है साथ में आपके? साथ में बस मैं और मेरी माँ आए, वो लोग साथ ही नहीं देता। अलग माँ कहाँ है? पास में आश्रम में रहती है, वो चल नहीं पाती ना, यहाँ आ नहीं सकती वो। कोई बात नहीं, पिताजी को ले आना, कभी हम समझाएंगे। वो ने फोन नहीं किया उन लोगों ने, मैं बता के आई मतलब मैं चली जाऊंगी वृंदावन, उधर रहूंगी, तो उन लोगों ने फोन नहीं किया कि घर आ जा, वो लोग अलग कर दिया हम लोगों को, तुम लोग अलग खाना बनाओ। कोई बात नहीं, अब आप ना घर जाके प्रेम से रहो और पिताजी से बोलो हमारा विवाह करवाओ, पिताजी विवाह कराएंगे, आनंद से रहना। चलो भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो, भगवान की भक्ति करो, समर्पण करो, भूत प्रेत कुछ नहीं करेगा। दोस्तों महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है, अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।